नमस्कार, मैं दिव्या वाजपेयी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट प्रिंट डॉट इन। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब और भी रोचक होगा जब इसमें फूलन देवी की एंट्री होगी। आप सोचेंगे कैसे, तो आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में फूलन देवी के विचारों और सिद्धांतों को भी चुनावी मुद्दा बनाया है। पतंग में 20 विशाल प्रतिमाएं तैयार हुई है जो अब उत्तर प्रदेश भेजी जाएंगी। 25 जुलाई को फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया जाएगा और निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। फूलन देवी जी को लेकर प्रतिमा जो है वो बनवाई है, क्या कुछ होने वाला है यूपी को लेकर के ये प्रतिमा कही जा रही है? देखिए, फूलन अभी जिंदा है, हम लोगों के सोच में नीचे कर माता बहन के संघर्ष में फूलन अभी जिंदा है और पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और खास करके निषाद समुदाय, वो खास करके फूलन देवी जी सुभाष सहनी को अपने आदर्श मानते हैं और हम लोग निषाद समुदाय से हैं और 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से फूलन देवी जी का 25 जुलाई को शहादत दिवस मनाया जाए, जिसके लिए मैं खुद बनारस में रहूँगा और अलग अलग मंडल में, अलग अलग जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, हर जगह पे पार्टी अपने स्तर से फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और बहुत ऐसे जगह पे प्रतिमा लगेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उन्होंने समाज को जोड़ने का हमेशा काम किया है और बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार तक वो आए और लोगों को जोड़े। आज हमारा फर्ज बनता है कि उनके आदर्श पे हम चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को जोड़े। जिस तरीके से हम आज बिहार में संघर्ष करके सरकार का हिस्सा बने हैं पॉलिटिकल पार्टी बना के, और बहुत हद तक हम अपने समाज को यहाँ पे लाभ दे पा रहे हैं, बिहार के जनता को लाभ दे पा रहे हैं, अपने विचारों को जमीन तक उतार रहे हैं, उसी तरीके से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाए, वहाँ पर सरकार बनाए और गरीब जनता का जो है दुख दर्द उसको दूर करें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे निश्चित तौर पर। आज फूलन देवी जिंदा रहती तो आज देश का, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होता, लेकिन लोगों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसके लिए उन्होंने रास्ते से उनको दूर किया, लेकिन आज हमारे विचारों में फूलन देवी जिंदा है और उसको लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे भारत में कह लीजिए कि कार्यक्रम हो रहा है और मजबूती से हम लोग उनको 25 जुलाई को याद करेंगे। मंत्री जी, 24 में से 1819 आपने कहा यूपी में लगेगी, क्या इसे यूपी चुनाव की तैयारी समझ ले? निश्चित तौर पर चुनाव भी है, आप ये भी मान लीजिए और कार्यक्रम अभी होना है, तो आप जोड़ सकते हैं कि यही सब एजेंडा लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में लगेगा कि हम लोगों ने उनके आदर, आरक्षण की लड़ाई है और आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और हमारी रास्ता है दिल्ली पहुंचना और दिल्ली अब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली पहुंचा जाता है, तो इसलिए हम लोग अभी बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम करेंगे, वहां पे अपनी ताकत को बड़ा करेंगे और आने वाले 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिता के दिल्ली पहुंचेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस रोज हमारे सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे बड़ी संख्या में, तो उस रोज हमारे निषाद समाज को जो आरक्षण है निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम नए आरक्षण नहीं मांग रहे, हम आरक्षण हमें मिला है उसको हम लागू कराना। आज बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में नहीं मिल रहा है, तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि आप हमें जो चीज़ मिल रहा था और मिल रहा है उसको हमें बिहार में भी दिया जाए, तो इसके लिए, लेकिन सरकार अभी इस पे गंभीर नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी इस पे निश्चित तौर पे गंभीर है और हम वो ताकत बनाएंगे और दिल्ली पहुंच के अपने समाज को हक अधिकार। गांधी जी से कुछ बात हुई है, मुलाकात हुई थी लेकर आरक्षण को लेकर? मांझी जी हमारे अभिभावक है, एनडीए के घटक दल है और हमारा मिलना जुलना यूं ही चलते रहता है और उनका सहयोग, आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहता है, तो इसके लिए हम लोगों का आपस में मिलना जुलना नहीं, कई बार आपने यह तक कह दिया है कि आरक्षण आरक्षण चाहिए, मंत्री पद रहे न रहे, इससे मुलाकात के बाद इस तरह के प्रयास? जब आया मुंबई से तो मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं समाज को आरक्षण दिलाने के लिए, ये तो मैं एक रास्ता में चल रहा हूँ और एक सपोज बारिश आ रहा तो मैं किसी छांव के नीचे चला आना, तो ये हमारे लिए एक जगह मिला है, मेरे लिए मंजिल नहीं मिला है, मंजिल तो मेरा आरक्षण है, निषाद समाज को भलाई है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, उनको लोगों उनके साथ अन्याय कर रहा उसको सही करना है, तो ये मेरा मंजिल है, ये भी रास्ते पे हम चल रहे हैं, आज मंत्री बन रहे कल कुछ भी बनते रहेंगे, लोगों को बनाते रहेंगे, तो ये सब चीज एक रास्ते पे चल रहेंगे और ये सब होते रहेगा। किसी भी राज्य में चुनाव होंगे तो महंगाई मुद्दा होगा, जाहिर है यूपी के चुनाव में भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने देखा नहीं है, इसको लेकर अभी सोचा नहीं है। आपने कुछ सोचा है यूपी का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो दोनों को सोचना है कि देश में महंगाई पे हमेशा कंट्रोल करना है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो आप देश में के ही व्यवस्था से राज्य सरकार चलती है, तो उस सबको ध्यान में रखकर हर सरकार का प्रयास यही होगा कि हमारे राज्य में महंगाई कम हो। और हमारे भी राज्य में जो बिहार में राज्य में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कोशिश करेंगे और सोच रहे हैं कि बिहार में महंगाई कैसे कम हो, तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो साथ लेके जाइएगा मांझी जी को यूपी, क्यों नहीं? अगर मांझी जी उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करेंगे तो हम लोग साथ में वहाँ पे रहेंगे। प्रतिमा लग रहा है उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।